महिंद्रा ट्रियो जोर इलेक्ट्रिफिकेशन के रिवोल्यूशन में महिंद्रा का एक रिवोल्यूशनरी न्यू इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर कार्गो सेगमेंट के लिए। महिंद्रा के इस थ्री व्हीलर के आपको थ्री वेरिएंट मिलते हैं, ट्रियो जोर डीवी, ट्रियो जोर और ट्रियो जोर एफपी। ट्रियो L5N व्हीकल कैटेगरी के अंतर्गत आता है, जिसमें आपको 550 kg पेलोड मिलता है। इसकी टॉप स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, जो कि एक कॉमर्शियल थ्री व्हीलर के लिए सफिशियंट है। इसकी सर्टिफाइड रेंज ARAI द्वारा 125 किलोमीटर बताई गई है, वह महिंद्रा टिपिकल ड्राइविंग पर इसकी रेंज 80 किलोमीटर क्लेम कर रहा है। लिथियम आयन 48 वोल्ट 7.3 किलोवाट कैपेसिटी की बैटरी इसमें यूज की जा रही है, जिसकी चार्जिंग टाइम 3 आवर 50 मिनट है। 3 ईयर्स और 80,000 किलोमीटर की वारंटी महिंद्रा द्वारा ट्रियो पर कस्टमर के पीस ऑफ माइंड के लिए यहाँ पे दी जा रही है। फ्रंट में आप देखें तो स्क्वायर शेप में एक लार्ज विंडशील्ड यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें आपको यहाँ पर एक सिंगल जो वाइपर है जो आपको मिलता है, तो इस तरह का सिंगल वाइपर यहाँ पे यूज किया जा रहा है विंडशील्ड वॉशिंग के लिए। सेंटर में आपको यहाँ पे महिंद्रा का लोगो मिलता है, 2 सर्कुलर हेडलैम्प मिलते हैं, जिस पर ब्लू कलर की कवरिंग भी आपके यहाँ पे की गई है, जो एक अच्छा लुक जो है वो फ्रंट एंड को दे रही है। तो ये आपका हो गया इसका फ्रंट एंड का। ऊपर में आप देखें तो यहाँ पे सर्कुलर राउंड डायरेक्शन इंडिकेटर दिए गए हैं, एक बड़ा ORVM जो है आपको यहाँ पे दिया गया, जिससे ड्राइवर इजीली पीछे आने वाले ट्रैफिक को बिना परेशानी के देख सकता है। तो ये हमारा इस तरह का फ्रंट फेशिया जो है इस ट्रियो का दिखता है। अब बात करते हैं फ्रंट व्हील की, तो फ्रंट व्हील में आपको यहाँ पे हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर मिलते हैं, हेलिकल स्प्रिंग और डैम्पनर के साथ 12 इंच के स्टील रिम यहाँ पे इसमें फ्रंट व्हील में यूज किया जा रहा है। ब्रेकिंग के लिए आपको यहाँ पे हाइड्रोलिक जो है वो ब्रेक मिलते हैं, जिससे आपके ड्राइवर को ब्रेक लगाते समय ब्रेक पेडल एफर्ट कम करना पड़ता है। अब रियर व्हील की बात करें तो रियर व्हील में आपको यहाँ पे 12 इंच के स्टील रिम्स मिलते हैं, साथ ही में इन पे ही आपके स्टील जो व्हील रिम्स के साथ आपको यहाँ पे मड फ्लैप भी आपको कंपनी द्वारा फिटेड दिए गए, ताकि बारिश के टाइम में पीछे वाले ट्रैफिक पे मड जो है वो आपका स्प्लैश ना हो। रियर सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पे लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलता है, जिससे कच्चे व खराब रास्तों पर भी बिना किसी परेशानी से हम चल सकते हैं किसी परेशानी के। रियर टेलगेट पर आपको ट्रियो जोर की बैजिंग मिलती है, स्लाइडिंग टाइप आपको ओपनिंग हैंडल मिलते हैं, सेंटर में महिंद्रा की एम्बॉसिंग मिलती है, ये आपका हो गया। और स्टैंडर्ड आपको यहाँ पे टेल लैंप्स मिल रहे हैं, RUPD भी यहाँ पे सेफ्टी के लिए इंस्टॉल किया गया। तो इस तरह से अपीयरेंस जो है इसके रियर एंड का हमें देखने को मिलता है। रियर में आपको यहाँ पे एक प्लास्टिक का स्टॉपर भी जो है वो भी दिया गया है, तो इस तरह से रियर अपीयरेंस हो गया इसका। साइड में आपको यहाँ पे स्पेयर व्हील रखने का प्रोविजन दिया गया, साथ ही फ्रेम पर आपको चेसिस नंबर की एम्बॉसिंग मिलती है। रियल एक्सल पर यहाँ पे मोटर जो है वो ड्राइव की गई है, जो 8 किलोवाट पावर और 42 न्यूटन का टॉर्क जो है प्रोड्यूस करती है। व्हीकल डायमेंशन जो देखें इस गाड़ी का, तो 3100 लेंथ है, 1460 विड्थ है और 1762 mm इसकी हाइट है। काफी अच्छा कार्गो स्पेस आपको यहाँ पे मिलता है, और यहाँ पे एक रिमूवेबल ऑप्शन भी है, जिससे आप मोटर को रिपेयर करने के लिए इसको ओपन कर सकते हैं। पीछे आपका यहाँ पे पीपअप विंडो दिया गया, जिससे ड्राइवर कार्गो स्पेस की देखरेख कर सकता है, चेक कर सकता है। ड्राइवर केबिन की बात, ड्राइवर केबिन में एक लंबी सीट और पीछे फिक्स बैकरेस्ट दिया हुआ है, सीट के पीछे ही बैटरी पैक का स्टोरेज दिया गया है। स्टीयरिंग हैंडल आपको मिलता है स्टीयरिंग कंट्रोल के लिए, जिसमें लेफ्ट हैंड पर आपको हॉर्न इंडिकेटर के लिए स्विच मिलते हैं, सिंपल इग्निशन की आपको यहाँ पर मिलती है आपको ट्रियो में, डिजिटल क्लस्टर आपको ट्रियो में मिलता है, जिसमें आपको व्हीकल स्पीड, स्टेट ऑफ चार्ज, बैटरी रेंज और ऑडोमीटर आपको यहाँ पर मिलता है। तो काफी अच्छा जो है इन्फॉर्मेटिव आपका क्लस्टर यहाँ पर दिया गया है। आगे आपको डैशबोर्ड पर स्पेस दिया गया, यहाँ पर आप अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए रख सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे एक साइड में आपका लॉकेबल जो है वो आपका स्पेस ग्लव बॉक्स दिया गया है। तो ये आपका हो गया इसका फ्रंट का डैशबोर्ड का। ये आपके इंडिकेटर्स, हॉर्न जो है इस साइड दिए हुए हैं, ये आपका हॉर्न हो गया, और यहाँ पे आप यहाँ से हाई बीम लो बीम कर सकते हैं। ये जो है आपका फॉरवर्ड और रिवर्स ड्राइव के लिए है। साथ में आपका यहाँ पे जो दूसरा स्विच देख रहे हैं, ये आपका इकोनॉमी और पावर मोड के लिए। ये आपका एक्सेलेरेटर थ्रॉटल है, जो नॉर्मली हम थ्री व्हीलर्स में आपको देखने को मिलता है। 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पे दिया गया है डैशबोर्ड पैनल पर, और डैशबोर्ड पैनल पे भी आपको यहाँ पे हेडलाइट ऑन ऑफ स्विच, वाइपर कंट्रोल और हैजार्ड लैंप जो है यहाँ पे आपको दिया गया है। नीचे आपको यहाँ पे हाइड्रोलिक ऑयल का रिजर्वायर आपको मिलता है, जिसको फ्रंट में ही है, जिसको आप डेली जो है ड्राइवर इसको लेवलिंग जो है चेक कर सकता है। ये आपका पूरा फ्रंट का इसका डैशबोर्ड का एरिया हो गया। तो यहाँ पे आपकी सप्लाई देखेंगे, बैटरी से मोटर की सप्लाई के लिए यहाँ पे वायरिंग हार्नेस दी गई है। पीछे आप देखें तो यहाँ पे बैटरी को चार्ज करने के लिए सॉकेट दिया गया, जिससे आप 15 एम्पीयर के बैटरी चार्जर से चार्ज कर सकते हैं। काफी अच्छा जो है आपको यहाँ पे फैब्रिक का इसमें यूज किया गया सीट का। नीचे आपकी
फ्लोर पैनल्स यूज़ की गई है फिक्स वाली, ये आपकी सीट्स हैं, तो सीट्स बिल्कुल फिक्स हैं, आप इसको मूवेबल नहीं कर सकते। यहाँ पे आपका मैकेनिकल हैंडब्रेक जो है वो राइट हैंड साइड में दिया गया है, इसकी वायरिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। पीछे बैक रेस्ट में भी एक अच्छा फैब्रिक यूज किया है ड्राइवर के कंफर्ट के लिए, वैसे सिटी ड्राइवर के लिए ये व्हीकल है, फिर भी इसमें एक अच्छा स्पेस दिया गया है। पीछे पिपअप विंडो है कार्गो स्पेस को देखने के लिए, तो ये इसका ओवरऑल जो है आपका कैबिन का लुक जो है हमें देखने को मिलता है। तो महिंद्रा ट्रियो आपको कैसे लगी ये कमेंट में जरूर आप बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।